आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूँ आपके लिए आज के समाचार। हर साल कई लोग इस बीमारी के कारण जान गंवा देते हैं। इसका इलाज संभव है। लोगों की जान जाने का कारण है कि कई मरीजों को संभव इलाज नहीं मिल पाता। लोग डेंगू का इलाज करने के लिए एलोपैथी दवाई लेते हैं। हाल ही में विशेषज्ञों ने कहा है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे कारगर होम्योपैथी दवा है। होम्योपैथी दवा बेहद कारगर होने के साथ सबसे सुरक्षित भी है। होम्योपैथी दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हालांकि इलाज के दौरान खून की जांच करवाना ज़रूरी है। खून में मौजूद प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स काउंट की जानकारी होना आवश्यक है। विशेषज्ञों का कहना है कि होम्योपैथिक दवा डेंगू से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को भी दी जा सकती है। हमारे आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी द्वारा मुरादाबाद की वरिष्ठ डॉक्टर शिवानी सिंह के साथ हुई एक विशेष वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी सिंह है और कर्नाटका के मैंगलोर शहर में रोशन होम्यो क्लिनिक के ब्रांच में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। रोशन होम्यो क्लिनिक का जितना ऑनलाइन कॉन्सल्टेशन है वो सब मैं ही हैंडल करती हूँ। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। तो डॉक्टर हैनिमन ने करीब 200 साल पहले इस मेडिकल साइंस को डिस्कवर किया था, जो कि विदाउट एनी डाउट बेस्ट मेडिकल साइंस है। पर अफसोस की बात यह है कि आज भी पेशेंट सब जगह से जब धक्के खा लेता है, थक हार के लास्ट में होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास आता है। अब अगर मरीज शुरुआत में ही हमारे पास आ जाए तो हम उसे डेफिनेटली निश्चित रूप से बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाकी जगह से जब मरीज धक्के खा के आता है तो तब तक केस ऑलरेडी काफ़ी स्पॉइल हो चुका होता है। तो अगर हम वो मदद शुरुआत में कर पाएंगे तो मरीज को डेफिनेटली ज़्यादा फायदा होगा। होम्योपैथिक मेडिसिंस इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती हैं। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, वो इसी बेसिस पे काम करता है कि हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ाता है। डेंगू फीवर में शुरुआत में 2 दिन बुखार आता है और उसके बाद में गैप भी हो सकता है, उसके बाद दोबारा मरीज को बुखार आता है। साथ में पेन बहुत ज़्यादा होता है, शरीर में दर्द, बदन में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी वायरल फीवर में प्लेटलेट मरीज की कम हो जाती हैं, जो कि डेंगू फीवर में भी होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान हमें ये रखना है कि टाइम पे मैनेजमेंट करना है, बुखार को मैनेज करना है और साथ ही साथ अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। खाने पीने के साथ साथ नारियल पानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली अवेलेबल है, सबको मिल सकती है और वो प्लेटलेट बढ़ाने में काफ़ी अच्छा काम करती है। डेंगू बुखार में होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे अच्छा रोल है। यदि मरीज पैनिक ना करे, समय पे हमारे पास आ जाए तो 5 से 7 दिन में अच्छी रिकवरी हो सकती है। बुखार वाले मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी जो बात मैं सबको समझाती हूँ, बताती हूँ, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि पैनिक ना करें। दूसरी बात, बुखार का चार्ट बनाए, जिसको हम टेम्परेचर चार्ट बोलते हैं, उसमें हर 3 घंटे पे बुखार नाप करके, और यदि मरीज हमारे पास लेकर के आएगा तो टाइम के बेसिस पे हम बहुत अच्छे से बहुत जल्दी मैनेजमेंट कर सकते हैं। बुखार का तुरंत पकड़ में आ जाता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ठंडा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, ये सब परहेज करना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।